मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रितु नांडोली फ्रॉम मॉन्टेसरी स्कूल. डियर स्टूडेंट्स, टुडे योर हिंदी ग्रामर. सो प्लीज टेक आउट ऑल ऑफ यू योर हिंदी ग्रामर बुक. नाउ ओपन द बुक एंड चैप्टर 2, पेज नंबर 15. बच्चों देखो, मैंने ये वाला आप लोगों को पेज नंबर 15 में ये वाला कराया था ना, मात्रा समझाया था, कहाँ कौन सा मात्रा लगा हुआ है. आप लोग इसको कर लिए होंगे. अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए. मतलब ये अधूरे अधूरे नाम लिखे हुए हैं, उसमें हम लोगों को मात्रा लगाना है, उस नाम को पूरा करना है. जैसे ये क्या चीज़ का पिक्चर है, पौधा है ना. पौधा मतलब क्या होता है, प्लांट, छोटा है ना. तो देखो पौधा में कौन सा मात्रा होगा, औ की, औ का मात्रा, औ का मात्रा होगा ना, ये वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं, पौधा. तो ये वाला मात्रा लगा दो आप लोग. अब ये देखो क्या है, रोटी. रोटी में रो, रो मतलब ओ की मात्रा, और टी मतलब बड़ी ई की मात्रा, तो रोटी. अब ये क्या है, जूता. तो जू जोर पड़ रहा है ना, तो ज में बड़ी ऊ की मात्रा और त में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो क्या हुआ, जूता. अब देखो ये क्या है, बुलबुल. बोलो तो बुलबुल. देखो ऊ में जोर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, छोटी ऊ. तो यहाँ छोटी ऊ और यहाँ पे भी छोटी ऊ, तो क्या हो गया, बुलबुल. अब देखो ये क्या है, केला. तो के मतलब ऐसे तो के नहीं हो रहा है, के तो क में छोट ए की मात्रा है ना, छोटी बिंदी ए की मात्रा, ल में आ की मात्रा, केला. अब ये क्या है, देखो केला का छिलका है ना, तो छिलका, तो छी पे जोर नहीं पड़ रहा है, तो छ में छोटी की मात्रा, ल और क में आ की मात्रा, क्या हो गया, छिलका. वैसे ये क्या है, थेला. तो थे, थे में ए, थे ल, ल में आ की मात्रा, ल थेला. ओके, अच्छे से सुंदर से साफ साफ लिखना. बच्चों आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं ये समझाने के लिए आपको दिखा रही हूँ, ठीक है. देखो ये क्या है, ये बताओ तो क्या है, अ हुआ ना, तो इसका क्या होता है, कोई मात्रा नहीं होता है ना, इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है. अगर ये आ रहेगा तब हम मात्रा ऐसे लगाएंगे. उसके बाद अब ये क्या है, छोटी ई. छोटी ई का मात्रा कौन सा होगा, ये वाला होगा है ना. अब ये क्या है, छोटा ओ, उसका मात्रा कौन सा होगा, ये वाला होगा. अब कौन सा, बड़ा ओ, बड़ा ओ का मात्रा कौन सा होगा, ये वाला होगा. आया आपको समझ में, मैं क्या समझा रही हूँ, ऐसे हमारा मात्रा होता है. सारा मात्रा बुक पे लिखा है ना, जैसे कि देखो तो ये क्या है, ये क्या है बताओ तो, आओ है ना, तो इसको हम कैसे मात्रा में लिखते हैं, ऐसे करके है ना, इसी को बोलते हैं मात्रा. ऐसी कोई भी मात्रा आपको दे दिया जाएगा, जैसे अंग, तो ये क्या हुआ, बिंदु, ये बिंदु हुआ, तो ये क्या हुआ, अंग. अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, यही पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, अंग मतलब बिंदु और चंद्र बिंदु. चंद्र बिंदु मतलब इसको बोलते हैं, चंद्र के ऊपर जो बिंदु होता है, बिंदु और चंद्र बिंदु. ओके बच्चों, बिंदु और चंद्र बिंदु आपको समझ में आया ना. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही पढ़ाने वाली हूँ, चैप्टर 3 में आपका है ना, चंद्र बिंदु और बिंदु है ना. चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय, अपना ध्यान रखना.